नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला के YouTube चैनल में फिर से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम DSSB पॉलिटिकल साइंस PGT की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज मैं प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आया हूं। प्रैक्टिस सेट 8 हम ऑलरेडी करीबन 140 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आज हम 141 से लेकर 160 तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस की PGT की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस की या सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग जो DSSB TGT की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी सिविक्स का एक पोर्शन आता है, वो बच्चे ये क्लास को देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि कानून। देखिए, राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं, सरकार है, भूभाग है, संप्रभुता है, और एक होती है आपका जनसंख्या। एक क्या होती है? जनसंख्या, ठीक है। तो एक चार भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन कानून राज्य का कोई भाग नहीं होता, आवश्यक अंग नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का तत्व धर्म नहीं है, जनसंख्या है, भूभाग है, संप्रभुता है, लेकिन बी, ये धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो किसी भी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। जनसंख्या भी तत्व है, सरकार भी है, भूभाग भी लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रभुता। और संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य राज्य नहीं कहलाएगा, ये बहुत जरूरी है। संप्रभुता का मतलब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसी संप्रभुता होता क्या है, संप्रभुता समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, ये मान ले कोई राज्य है, ये मान लीजिए कोई राज्य है, मान लीजिए ये इंडिया है, क्या है ये? इंडिया। और ये मान लीजिए USA है। अब इंडिया हम पे मान लो किसी चीज़ का दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, लेकिन अगर भारत इस चीज़ इसके प्रेशर को या इसके दबाव को अपना कर अपनी पॉलिसीज में चेंज कर देता है, तो भारत संप्रभु नहीं कहलाएगा, क्योंकि भारत अफेक्ट हो रहा है किसी और कंट्री से। लेकिन इंडिया ये कुछ कह रही है और इसके बिना किसी दबाव में इंडिया अपनी नीति चला रहा है, स्वतंत्र है, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप पे, बिना किसी हस्तक्षेप पे वो स्वतंत्र है, अपने निर्णय खुद ले पा रहा है, किसी का कोई दबाव नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रभुता। ध्यान रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा वर्ग षाढ़ गुणने का भाग नहीं है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। षाढ़ गुणने का भाग नहीं है, तो षाढ़ गुणने का भाग है डी, नहीं है, षड्यंत्र और पंचशील, जबकि सभी षाढ़ गुणने का भाग है। ये PGT परीक्षा 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्ताक सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं दिया गया? यानी कि राज्य के 7 अंग थे, ये किसने दिया था? हमारे चाणक्य जी ने, चाणक्य जी। तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने प्रतिपादित किया था अपने राज्य का सप्तांग सिद्धांत, उनमें से ये इनमें से कौन नहीं है? तो आंसर होगा बी, पुरोहित नहीं है, स्वामी है, पुर है, कोश है, लेकिन पुरोहित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौटिल्य था, चाणक्य कौटिल्य, एक ही बात है। आता है 147वां क्वेश्चन, मनु की षाढ़ गुणे नीति निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, व्यवहार सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो जो राज्य है वो राजस्थान नहीं है, क्योंकि ये भारत राज्य का ही एक राज्य है। देखिए, जो राज्य शब्द है,
जब आप राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे तो राज्य शब्द का उपयोग किसी देश के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, देश के लिए। जब आप पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स पढ़ेंगे तो वहाँ राज्य शब्द का मतलब क्या होता है, देश, कंट्री, ध्यान रहेगा। तो इसका जो राज्य नहीं है वो है राजस्थान, जबकि बांग्लादेश राज्य है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है। क्यों? क्योंकि राज्य के आवश्यक चार तत्व होते हैं वो ये फुलफिल कर रहे हैं। कौन से? जनसंख्या होती है, और क्या होती है, सरकार होगी, भूभाग होगा और संप्रभुता होगी, संप्रभुता होगी। ये चारों जो तत्व है नेपाल के पास भी है, श्रीलंका के पास भी है, बांग्लादेश के पास भी है, लेकिन राजस्थान के पास नहीं है। और राजस्थान के पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। क्या है? संप्रभुता नहीं, इसलिए वो राज्य नहीं कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है, बताइए। तो राज्य का मूल तत्व होता है सर्वसत्ता। क्या होता है? सर्वसत्ता। अगला प्रश्न, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक क्या है? सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता का ही पर्यावाची, ये पर्यावाची है, ये पर्यावाची है किसका? संप्रभुता का, ध्यान रखना, संप्रभुता का ये पर्यावाची। कई लोग, कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे सर्वोच्च सत्ता और संप्रभुता में, तो ये उसका पर्यावाची है। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। निम्न में से कौन राज्य नहीं है, तो बताइए। निम्न में से कौन राज्य नहीं है? सी, राष्ट्र संघ। ये एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य नहीं है। यूएसए एक राज्य है, रूस भी राज्य है, बांग्लादेश भी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र संघ है वो राज्य नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? मतलब उसने, किस विचारक ने ये कहा है कि राज्य और समाज एक ही होता है, बताइए। तो ये कहा है हमारे हेगल जी ने। निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है, मतलब कौन सा ऐसा विचारक है जो समाज और राज्य को अलग बताता है? तो इसका आंसर होगा बी, मेकाइवर ने, मेकाइवर जी अलग बताते हैं समाज और राज्य को। अगला प्रश्न, ये दिया हुआ है इन सूची को मिलान करना है, इन सूची का मिलान करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए मिलान करते हैं ए का थर्ड। तो भारत, भारत मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व चाहता है, बिल्कुल ठीक। बी का फोर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद का अवरोध करता है, अवरोध मतलब विरोध करता है, बिल्कुल सही है, उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अमेरिका उदारवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है जबकि साम्यवाद का विरोध करता है। सी का सेकंड, सोवियत रूस समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग करता है, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट का डी, यानी चीन एक सैनिक और शक्ति और साम्यवाद का को अपनाता है, इस नीति को अपनाता है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा, ये विशेषता हमें दिखाई देती है इसमें, सर्व अधिकारवाद, यहाँ पे जहाँ पे सभी के पास अधिकार है, ये विशेषता हमें वहाँ दिखाई देती है कि राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है। अगला प्रश्न, सर्व अधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? सिंपल सी बात है, राज्य को महत्व दिया जाएगा, राज्य की बात कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी है, सामाजिक सुरक्षा करना भी है, राजनीतिक सुरक्षा करना भी है, तो इनमें से ये जो सभी होगा ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है,
तो सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है गुन्नार मिर्डल, गुन्नार मिर्डल। अगला प्रश्न है सामंतवादी सॉरी सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था, कौन था बताइए। तो इसका आंसर था पवित्र जो रोमन राज्य है वहाँ पे सामंतशाही व्यवस्था सबसे ज़्यादा थी, सामंतशाही व्यवस्था, सामंतशाही व्यवस्था उसमें होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे जो धनवान व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, बहुत कुछ लोग होते हैं जो बहुत धनवान होते हैं और वो सत्ता में जब आ जाते हैं ये सत्ता को प्रभावित करते हैं तब वो सामंतवादी कहलाता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो सत्ता को अपने अपने कब्जे में ले लेते हैं, इसे ही सामंतशाही कहा जाता है। तो दोस्तों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये कक्षा आपको कैसे लगी प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है अपनी पाठशाला, अगली कक्षा में मैं फिर से आपके सामने नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको एग्ज़ाम करने में क्रैक करने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।